अमेरिका से लेकर लंदन तक जॉम्बी ड्रग तबाही मचा रहा है। इस ड्रग की चपेट में आने से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। ब्रिटेन में यौन अपराधी धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल नशे के लिए कर रहे हैं। खास बात यह है कि अपराधी लोगों से बार और पब में जाकर उनको निशाना बना रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर जॉम्बी ड्रग क्या है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं इन खबर। ई सिगरेट में कुछ नशीली दवाएं मिलाई जाती है जिसे जॉम्बी ड्रग कहा जाता है। डायलेजिन ड्रग को ही जॉम्बी ड्रग के रूप में भी जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जॉम्बी ड्रग का बिजनेस करने वाले इसे कोकीन और हीरोइन जैसी दूसरी ड्रग में मिला कर देते हैं, जिससे उसमें नशे की मात्रा बढ़ जाती है। इसका नशा जब होता है तो उस समय तो अच्छा लगता है, लेकिन वहीं CDC का कहना है कि नशीले पदार्थों के साथ मिलकर ये ड्रग और खतरनाक बन जाता है, जिसके बाद इंसान अपना होश खो देता है और उसकी त्वचा में घाव होने लगते हैं। इतना ही नहीं, इंसान बदहोश होने पर वो अजीब हरकतें करने लगता है। शरीर में जैसे ही ये ड्रग पहुंचता है उसके 20 से 30 मिनट के बाद इसका असर दिखने लगता है। इस ड्रग का नशा कई घंटों तक रहता है। साथ ही इस ड्रग के नशे में व्यक्ति एक ही पोजीशन में घंटों तक रहता है, जिसके चलते उसकी हालत बिगड़ने लगती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आमतौर पर ये जानवरों की दवा के तौर पर भी इस्तेमाल होता आया है, लेकिन अब युवाओं के बीच वेपिंग यानी ई सिगरेट का चलन बेहद गंभीर समस्या बनकर उभरा है। पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वेपिंग को अपराध करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं यौन अपराधी ई सिगरेट में कुछ ऐसी दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पीड़ितों को पूरी तरह से लाचार कर देता है। इसे लेने के 20 मिनट बाद इसका असर शुरू हो जाता है। शनिवार को सेंट्रल लंदन के सोहो में पुलिस ने 38 साल के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिस पर वेपिंग के जरिए बलात्कार करने का आरोप। यौन अपराधी ई सिगरेट में कुछ ऐसी दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पीड़ितों को पूरी तरह से लाचार कर देता है। इसे 20 मिनट के बाद इसका असर शुरू हो जाता है। शनिवार को सेंट्रल लंदन के सोहो में पुलिस ने 38 साल के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जिस पर वेपिंग के जरिए बलात्कार करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं, ऐसे में इस तरह के चलन से सिर्फ अपराध के ग्राफ में इजाफा के तौर पर देखा जा रहा है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।